छिंदवाड़ा जिले के नागरिकों के लिए अच्छी और बुरी खबर दोनों हैं। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के चलते स्थिति नियंत्रण के बाहर हो गई है। यही कारण है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने छिंदवाड़ा जिले में संपूर्ण 7 दिन का लॉकडाउन लगाने के आदेश दिए हैं। छिंदवाड़ा जिला कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन के द्वारा गुरुवार रात 8 अप्रैल गुरुवार रात 8 बजे से लगातार 7 दिन तक लॉकडाउन लगाने के आदेश की पुष्टि की है। पत्रकारों से चर्चा करते हुए कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन ने कहा कि संपूर्ण लॉकडाउन के समय नागरिकों को सभी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। मेडिकल दूध की दुकानें खुली रहेंगी, किराना सामान की होम डिलीवरी की जाएगी, स्वास्थ्य विभाग की टीम भी सक्रिय बनी रहेगी, लॉकडाउन के पालन के लिए पुलिस तैनात रहेगी, छिंदवाड़ा जिले की सभी सीमाओं पर कड़ी चौकसी की जाएगी। कोरोना से जंग में अब नागरिकों को 7 दिनों तक घरों में रहना है। आदर्श न्यूज के लिए छिंदवाड़ा जिला ब्यूरो आशीष मालवीय की रिपोर्ट। वर्तमान में कोरोना के बढ़ते हुए प्रकोप को देखते हुए कि नागपुर में भी केसेस की गति अभी थमी नहीं है, इसलिए छिंदवाड़ा में भी अनवरत केसेस लगातार आते जा रहे हैं और उसका प्रसार ग्रामीण क्षेत्रों में भी देखने को मिल रहा है। इसलिए जो पहले के लॉकडाउन थे जो सिर्फ नगरीय क्षेत्रों में होते थे, इस बार पूरा लॉकडाउन जो है वो जिले में रहेगा। तिथि उसकी 8 तारीख रात्रि 8 बजे से लेकर 16 तारीख सुबह 6 बजे तक रहेगी। दिनों की संख्या के हिसाब से ये 7 दिनों का पूरा लॉकडाउन पीरियड रहेगा, जिसमें नगरीय ग्रामीण क्षेत्रों में संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा। अपवाद स्वरूप जो आवश्यक वस्तुओं की व्यवस्था है उसके लिए कुछ छूट रहेगी, मेडिकल स्टोर्स खुले रहेंगे, पेट्रोल पंप्स खुले रहेंगे, अन्य कई और आपवादिक व्यवस्थाएं रहेंगी जिससे लोगों का जीवन सुगम सुचारू बना रहे लॉकडाउन पीरियड के दौरान। कल 1 दिन का बफर है, लेकिन उसमें भी लोगों से मेरी अपील होगी कि अनावश्यक घरों से बाहर ना निकले।